नवंबर के महीने में जम्मू कश्मीर में हुई बर्फबारी से सेब की फसल को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसे में कश्मीर से एक फल उत्पादक का फसल की बर्बादी पर रोते हुए वीडियो वायरल हुआ है, जो एक किसान के दर्द को बयां कर रहा है। दरअसल कश्मीर में वक्त से पहले हुई बर्फबारी के चलते करोड़ों रुपए की कीमत के सेब की फसल क्षतिग्रस्त हुई है। भारी बर्फबारी के चलते सेब से लदे पेड़ जड़ से उखड़ गए या उनके तने टूट गए। अनुमान है कि बर्फबारी से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। बागान के मालिक सरकार से नुकसान और मुआवजे के आकलन के लिए टीम के गठन की मांग कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राज्य प्रशासन से बागवानी उद्योग को पहुंचे नुकसान का आकलन करने की मांग की है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि वो मौसम की मार खाए फल उत्पादकों के लिए किसी पैकेज का ऐलान करें। जम्मू कश्मीर में किसान और फल उत्पादक बड़े आर्थिक घाटे की मार झेल रहे हैं। आपको बता दें कि 20 साल में पहली बार इस प्रकार की बर्फबारी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 40 साल से अधिक समय के बाद इस क्षेत्र में इस तरह की बर्फबारी हुई है। सोशल मीडिया पर खबरों की लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को और हमें सब्सक्राइब भी करें। नवंबर के महीने में जम्मू कश्मीर में हुई बर्फबारी से सेब की फसल को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसे में कश्मीर से एक फल उत्पादक का फसल की बर्बादी पर रोते हुए वीडियो वायरल हुआ है, जो एक किसान के दर्द को बयां कर रहा है। दरअसल कश्मीर में वक्त से पहले हुई बर्फबारी के चलते करोड़ों रुपए की कीमत के सेब की फसल क्षतिग्रस्त हुई है। भारी बर्फबारी के चलते सेब से लदे पेड़ जड़ से उखड़ गए या उनके तने टूट गए। अनुमान है कि बर्फबारी से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। बागान के मालिक सरकार से नुकसान और मुआवजे के आकलन के लिए टीम के गठन की मांग कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राज्य प्रशासन से बागवानी उद्योग को पहुंचे नुकसान का आकलन करने की मांग की है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि वो मौसम की मार खाए फल उत्पादकों के लिए किसी पैकेज का ऐलान करें। जम्मू कश्मीर में किसान और फल उत्पादक बड़े आर्थिक घाटे की मार झेल रहे हैं। आपको बता दें कि 20 साल में पहली बार इस प्रकार की बर्फबारी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 40 साल से अधिक समय के बाद इस क्षेत्र में इस तरह की बर्फबारी हुई है। सोशल मीडिया पर खबरों की लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को और हमें सब्सक्राइब भी करें।